नमस्कार, हमार छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बृंदानवागढ़ विधानसभा के पर्यबहारा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाएं की। आपको बताते हैं कि सीएम ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। गरियाबंद में आरआईपीए के तहत दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। गरियाबंद में पुस्तकालय भवन का निर्माण किया जाएगा। रामपिंटोरा में 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी। दर्रेवारा जैतीपुरी आमदी मार्ग में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। मैनपुर ब्लॉक के इंद गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। ग्राम शोभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति। कचना धुरवा को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। धुरवागुड़ी में SAGES की स्थापना की घोषणा की है। उरमाला में शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाएगी। मैनपुर काला पहुंचा मार्ग में मैनपुर नाला पर पुल का निर्माण किया जाएगा। राजा पड़वा गौर गांव और अडगड़ी नाला बाग नाला जरही डीह नाला शोभा नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति। ग्राम वैनी झोला से कोदोमाली मार्ग पर सड़क निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम कोदोमाली में विद्युतीकरण की भी घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ये कई घोषणा की गई हैं, जिसमें कई बड़ी सौगात देने की बातें कही गई हैं। बताते चले कि 12 घोषणाएं की गई हैं, जिसमें तमाम तरह के पुस्तकालय के निर्माण, विद्युतीकरण की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ पुल निर्माण की भी घोषणा की गई है। तो सीएम की तरफ से 12 घोषणाएं की गई हैं, जिसमें कई तरह के मुद्दे शामिल हैं, सड़क निर्माण से लेकर विद्युतीकरण, पुस्तकालय निर्माण, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की बात कही गई है, पर्यटन केंद्र को स्थापित करने की भी बात कही गई है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के अंतर्गत महासमुंद जिले के विधानसभा क्षेत्र सरायपाली के दौरे पर हैं, जहां आमजनों के बीच पहुंचकर शासकीय कार्यक्रम और योजना के मैदानी स्तर पर पहुंचकर फीडबैक भी लेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम सरायपाली के दौरे पर हैं, जहां पर आम जनता से जमीनी हकीकत जानने के लिए ये दौरा किया जा रहा है। कई प्रतिनिधियों के साथ इस दौरे में मुलाकात करने का भी समय दिया गया है। तो बताते चलें कि महासमुंद में आज सीएम जनता के पास जाकर कई मुद्दों पर जमीनी हकीकत को जानेंगे। तो सीएम का आज प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत महासमुंद जिले में दौरा होना है, जहां पर आमजनों से मिलकर शासकीय कार्यक्रम और योजना की जो मैदानी हकीकत है उसके बारे में सीएम जानेंगे। आम जनता से मिलकर जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश हो रही है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में पार्टी की तरफ से और सीएम पूरी ताकत झोंक रहे हैं इन जमीनी हकीकत को जानकर, जमीनी मुद्दों को जानकर, ताकि उन पर अगर कोई कमी रह जाती है तो उन पर काम किया जा सके। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में राजिम विधानसभा, फिर बृंदानवागढ़ और उसके बाद सरायपाली, तीन विधानसभा इस पेल में होगा। तीन विधानसभा करके लौटूंगा।
वहीं बृंदा नवागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और आम जन शामिल हुए। सीएम ने सरकार की कई हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक बांटे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भेंट मुलाकात में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए। कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों समेत सभी वर्ग के लोगों की आय बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है या नहीं। भेंट मुलाकात के दौरान एक किसान ने सीएम को बताया था कि उनका 50,000 रुपए का कर्ज माफ हुआ है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है और जैसा कि सीएम ने साफ तौर पर जिक्र किया कि यह भेंट मुलाकात कार्यक्रम आम लोगों की परेशानियों को जानना है कि असल में लोगों को समाधान मिल रहा है समस्या का या नहीं। इस दौरान उन्होंने साथ ही साथ ये भी जिक्र किया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई थी जिसने उन्हें बताया था कि 50,000 रुपए का कर्ज भी माफ हुआ है। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों के बीच जानने की कोशिश कर रहे हैं जाकर कि असल में लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जमीनी हकीकत को जाना जाए। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो सरकार उसे समय रहते पूरा करना चाहती है और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो कार्यक्रम में बड़ी तादाद में किसानों ने और आमजन लोगों ने भाग लिया जहां पर अपनी अपनी समस्याओं को सीएम के साथ साझा किया। वहीं बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने विधायक विनय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विधायक के संरक्षण में चिरमिरी क्षेत्र के अवैध काम जो चल रहे हैं, कोयला, कबाड़ा, रेत और नशे की तस्करी का काम बड़े पैमाने पर जारी है। चिरमिरी क्षेत्र में बंद कोयले की खदान में अवैध तरीके से काम हो रहा है जिससे छोटे बच्चे और महिलाओं को कोयला खोदने का काम में झोंक दिया गया है। अवैध कोयले की जो खदानें हैं उनमें अनगिनत बच्चे और मजदूर दफन हो चुके हैं और शाम होते ही पूरी चिरमिरी में कबाड़ा माफिया चोरी करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तो कोयले खदान में बच्चों और महिलाओं से काम कराया जा रहा है और विनय जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं जहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि बंद कोयले खदान में महिलाओं और बच्चों से काम कराया जा रहा है, रेत और नशे की तस्करी कराने का भी बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने विधायक विनय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोयला, कबाड़, रेत और नशे की तस्करी का बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और इस काम में महिलाओं को और बच्चों को लगाया गया है। रात के अंधेरे में चोरी और माफियाओं के सक्रिय होने की भी बात कही गई है। तो यह बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने विधायक विनय जायसवाल पर। पूर्व जिलाध्यक्ष ने विनय जायसवाल जो कि विधायक है उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिरमिरी क्षेत्र में अवैध कामों को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर छोटे बच्चों और महिलाओं से कोयला खोदने का काम कराने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ बताते चलें कि माफियाओं के और चोरों के सक्रिय होने की भी इस क्षेत्र में बात कही गई है। तो बड़ा आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे
विधायक विनय जायसवाल पर, जिसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो बात माफियाओं के सक्रिय होने की हो या फिर चोरी की बात हो। इसके अलावा नशा तस्करी के कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। 57 टन अवैध कबाड़ पाया गया और उसमें यह बताया गया कि जो कबाड़ लाया जा रहा है यह चिमनी क्षेत्र से लाया जा रहा है और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि नशा कारोबारियों का यहाँ एक जाल फैला हुआ है। पूरे समूचे क्षेत्र में वो अपना जाल बिछा के रखे हुए हैं। इसमें सभी प्रकार के मादक पदार्थ, चाहे वो शराब हो, गांजा हो, चरस हो, ड्रग्स हो, इस प्रकार की यहाँ पर नशा की जो साधन है, पदार्थ है, उपलब्ध है। वहीं पुलिस ने शिक्षक के घर में चोरी के मामले में खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों के गहने बरामद किए गए हैं, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है। चोरों ने कलहारी थाना क्षेत्र के पस्तौरी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो पुलिस ने शिक्षक के घर में बीते दिन चोरी हुई थी, जिसका बड़ा खुलासा करते हुए चोरी का सामान बरामद किया है। बताते चलें कि चोरों ने जेवरात के साथ साथ मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसका बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने सामान के साथ साथ जो आरोपी थे उनको भी अपने गिरफ्त में ले लिया है। बीते दिनों केलहरी थाना क्षेत्र के पसौरी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और यह बड़ा खुलासा किया गया है। तो शिक्षक के घर में बीते दिनों चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने इस मामले में चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जो चोरी में उन लोगों ने गहने चुराए थे, साथ ही साथ मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। तो पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक टीम का गठन किया था और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें चोरी किया हुआ सामान, जेवरात और मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है, साथ ही साथ आरोपियों को भी गिरफ्त में ले लिया है। वहीं अगली खबर बिलासपुर से है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय स्टेट बैंक के सामूहिक तत्वाधान में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किसानों को मिट्टी के बारे में विस्तार से बताया गया। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित मृदा दिवस में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी भी शामिल रहे, जिन्होंने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस दिन को बहुत खास बताया। कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सामूहिक तत्वाधान के लिए विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को तमाम तरह की जानकारी दी गई है और इस कार्यक्रम में कई तरह के वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने जो किसान हैं, प्रदेश के किसानों को कई तरह की जानकारी दी, जिससे किसान अपनी जो खेती होती है उसमें उपज को किस तरह से बढ़ाया जा सके, इस बारे में भी जानकारी दी गई है। तो इस कार्यक्रम में SBI के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे हैं और ये पूरी जो एक कार्यक्रम रखा गया था उसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मिट्टी को लेकर जो जानकारी देना प्रमुखता से, ये मुख्य उद्देश्य रहा। बताते चलें कि कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय स्टेट बैंक और कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को मिट्टी को लेकर कई तरह की जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक ने किसान जो भी मौजूद रहे उस कार्यक्रम में उन सभी को तमाम तरह की जानकारी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि किसानों को किस तरह से इस बारे में जागरूक किया जा सके कि किसान इसकी मदद लेकर मिट्टी
का इस्तेमाल करके अपनी उपज को बढ़ाया जा सके। वहीं देवभोग में सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित श्याम शंकर मिश्र की आदमकद प्रतिमा का सीएम ने अनावरण किया। तो सीएम ने अनावरण किया है, और आपको बताते चले कि प्रतिमा का सीएम की तरफ से अनावरण किया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से तिलक लगाकर प्रतिमा का सीएम द्वारा अनावरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और सीएम बघेल ने किस तरह से तिलक लगाकर प्रतिमा का अनावरण किया है। देवभोग की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर सीएम खुद पहुंचे और उन्होंने तिलक लगाकर प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं बलोच जिले के कई गांवों में पर एक के बाद एक पशुओं की मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि पशुपालकों में लंपी वायरस को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद लोगों का कहना है कि दिनों दिन पशु की मौत होती जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने इससे ईश्वरी प्रकोप मानकर हवन पूजन करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंपी वायरस के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन पशुओं में सुधार नजर नहीं आ रहा है। वहीं बलोच जिले के उप संचालक पशु चिकित्सक डॉक्टर डी के सिहारे ने कहा कि विभाग स्वास्थ्य पशुओं के ऊपर दवाइयां का छिड़काव कर रहा है और सूचना मिलते ही बीमार पशुओं का इलाज किया जा रहा है। हर गांव में सतत निगरानी की जा रही है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में जो पशु हैं उनको लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंपी वायरस की चपेट में कई तरह की जो गाय हैं वो आ चुकी हैं, और जिनके खबर मिलते ही प्रशासन पूरी तरह से दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं वो इस वजह से काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। और यह जो नवरात्रि के जस्ट बाद से शुरुआत हुआ है, कृषकों के द्वारा पशुपालकों के द्वारा सूचना था मिला, हम लोगों ने सूचना पशु विभाग को दिए कि सभी पशु विभाग संज्ञान में लेते हुए उसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी टीम सतर्क अपनी निगरानी कर रहे हैं और टीकाकरण भी किए हैं। साथ ही साथ हमारे गांव के लोगों की आशा बनी हुई है कि हमारे गांव में पूजा पाठ अगर हो जाए गौठान में और सहायदे में भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो यह जो बीमारी दूर हो सकती है। बलोच जिला में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा लगातार गांव गांव जाकर किसानों को समझाइश और गोठानों में दवाई का छिड़काव एवं बीमार पशुओं का उपचार किया जा रहा है, और अभी तक के हमारे विभाग द्वारा 1,26,425 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है और यह टीका लगातार जारी है। वहीं बिलासपुर में छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक संघ विक्रेता कल्याण संघ ने 3 दिवसीय धरना दिया। शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता संघ ने धरना प्रदर्शन कर अपनी 6 सूत्रीय मांग को सरकार के सामने रखा है, साथ ही आने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया है। जानकारी के लिए बता दें कि विक्रेताओं और हितग्राहियों के बीच सर्वर और कांटे कनेक्टिविटी को लेकर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इन्हीं मांगों को लेकर विक्रेता संघ 3 दिवसीय हड़ताल पर है। संघ का प्रमुख मांगों में से खाद्यान्न कटौती के संबंध में समस्या बनी हुई है। और हम आज व्यस्त होकर के इस धरना में बैठे हैं। कई सूत्री मांग में जैसे राशन कटौती कर दिया गया एकाएक, और जिससे खाद्यान्न बांटने में पिछले माह बहुत परेशानी हुई। इस तरह से 6 वर्षों का जो राशन कटौती किया गया है 2016 से, वो न्याय संगत नहीं है। इसको शासन पहले भौतिक सत्यापन करना था, सूचित करना, और उसके बाद नोटिस देना, और
जवाब का ध्यान की तरफ भी करना, ये होना था। चलिए फिलहाल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।